ही मैरिड मिसेस कस्तूरबा गांधी। टीचर्स प्रिंसिपल एंड माय डियर फ्रेंड, आई एम मुसार फ्रॉम क्लास 8। टुडे आई वांट टू टेल फ्यू लाइंस ऑन गांधी जी। महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। वी कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन इन ऑनर। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। हिज फुल नेम इज मोहनदास करमचंद गांधी एंड हिज फादर नेम इज मिस्टर करमचंद गांधी एंड हिज मदर नेम इज मिसेस पुतलीबाई एंड वाइफ नेम इज मिसेस कस्तूरबा गांधी। He went to England to study of law. At that time, he came to India. The Indian was the slave of English. He joined the Indian National Congress. He tried to hold India made free. He had an important role to free the India. He started many movements. On 15 August 1947, India got freedom. Respected principal, teachers and all dear my friends, my name is Raksha. I study in class 8. I want to tell about a few lines on Gandhi ji. Mahatma Gandhi was a great leader of India. We call him the father of nation in honor. He was born in 2 October 1869 at Porbandar in Gujarat. His father's name is Mr. Karamchand Gandhi. His mother's name was Mrs. Putlibai and wife name was Mrs. Kasturba Gandhi. He was sent to school at the age of 7. He went to England to study law. He went to South Africa. Also, at that time, India was a slave of English. He joined Indian National Congress. He tried hard to make India free. He started many movements. On 15 August 1947, India got freedom. On 30 January 1948, he was shot dead by Nathuram Godse. गुड मॉर्निंग, मेरा नाम धीरज है। आज मैं आपको गांधी जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। इनकी माता का नाम पुतली और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी धर्मपत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी एवं इनके 4 पुत्र थे। गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बहुत संघर्ष किया। गांधी जी को प्यार से बापू एवं राष्ट्रपिता भी कहते थे। गांधी जी को 1919 से बापू कहना शुरू हुआ था। इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत संघर्ष किया और अंत में इन्होंने 15 अगस्त 1947 में हमारे देश को आज़ाद करवा दिया एवं बाद में 30 जनवरी 1948 को इनकी नाथुराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज नरेंद्र, आई एम फ्रॉम क्लास 7। टुडे आई एम स्पीक ए फ्यू वर्ड्स अबाउट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के छोटे से गांव पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माँ का नाम श्रीमती पुतली देवी था और उनके धर्मपत्नी का नाम श्रीमती कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी को साफ सफाई से बहुत लगाव था और गांधी जी अहिंसावादी थे। उन्होंने अपने अदालत की पढ़ाई इंग्लैंड में की थी। उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलवाए। उनमें से एक आंदोलन का नाम भारत छोड़ो आंदोलन था। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में नाथुराम गोडसे के द्वारा हुई। थैंक यू। मेरा नाम सोनिया, मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको गांधी जी के बारे में बताना चाहता हूँ। आज के दिन गांधी जी का जन्म हुआ था।
गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके नाथुराम गोडसे ने की। थैंक यू। जब दौर में भेड़िया फिर भी मानते हैं, मैं सिखाएगा अकबर मान तो महाराणा प्रताप कौन थे। पुस्तकों पे लाश से गांधी फिर भी मानते हैं, मैं सिखाएगा गांधी जी के चरखे से याद आती आई तो फांसी पे चढ़ने वाले 25-25 साल के नौजवान कौन थे। थैंक यू। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम श्लोक फ्रॉम क्लास 6। टुडे आई वांट टू टेल यू अबाउट समथिंग। टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट गांधी जी। आंदोलन करें उनमें से एक सबसे बड़ा आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन था। गांधी जी ने अपनी पढ़ाई ज्यादातर पढ़ाई इंग्लैंड में करी थी आगे की। गांधी जी जब 13 साल के थे जब उनकी शादी कस्तूरबा बाई के साथ हुई थी। गांधी जी के 4 बेटे थे पर को हुआ था और गांधी जी की मृत्यु 13। Hello sir, my name is Priyansa from class 5th. Respected teachers, principal and all my dear friends, मैं आपको गांधी जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। गांधी जी एक महान नेता थे। गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। गांधी जी की 13 साल की उम्र में ही कस्तूरबा बाई के साथ विवाह हो गया था और गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1869 को हुई थी और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। थैंक यू।